महोबा में समाजवादी पार्टी के पूर्व मंत्री सिद्ध गोपाल साहू के भाई और शहर के बड़े व्यापारी संदीप साहू के यहां बीती रोज हुई करोड़ों की चोरी का 11 घंटे के अंदर पुलिस की चार टीमों और सर्विलांस ने खुलासा कर दिया है। चोरी के माल का बंटवारा कर रहे संगठित चोर गिरोह के चार सदस्यों को पुलिस ने दबोच लिया है, जिनके पास से चोरी की गई 92 लाख रुपए की नकदी सहित 470 ग्राम सोने के जेवरात भी बरामद कर लिए गए हैं। पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में पुलिस की कार्यक्षमता की पीड़ित व्यापारी ने जमकर प्रशंसा की है, तो वहीं खुलासा करने वाली टीम को पुलिस अधीक्षक ने 25,000 रुपए का इनाम देकर हौसला बढ़ाने का भी काम किया है। जैसा आप सबको विदित है, कल शाम कोतवाली में एक सूचना मिली थी एक बिजनेसमैन द्वारा कि उनके बंद घर से बहुत सारा कैश और ज्वेलरी चले गए हैं। यह बहुत ही सीरियस एक घटना हमारे सामने आई थी, जिसका त्वरित संज्ञान लेते हुए मेरे द्वारा मौके पर पहुंचा गया था। अन्य अधिकारियों द्वारा मौके पर पहुंच के वहां पर साक्ष्य संकलन की कार्रवाई की गई थी, सीसीटीवी फुटेज देखे गए थे। चार टीमों का इसमें मेरे द्वारा गठन किया गया था, सर्विलेंस टीम को भी लगाया गया था, मुखबिर भी मामूर किए गए थे। रात को ही हमें सूचना मिली थी मुखबिरों के आधार पर कि कुछ लोग खुलासा किया है, क्या कहना है? ये हमारे जनपद का सौभाग्य है कि मैडम का आगमन हुआ से पुलिस अधीक्षक महोदय का, और उनकी पूरी टीम ने सतत रात भर सतत प्रयास करते हुए इस चोरी का खुलासा किया। ये हमारे जनपद के लिए बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है। देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं जितना आपका कैश और जो है सोना चांदी गया था, कहीं ना कहीं पूरा जो है रिकवर हुआ है, क्या कहेंगे? पूरा क्या